करवा चौथ के पावन पर्व पर जो महिलाएं इस सौभाग्यवती व्रत को रखेंगी, ऐसी महिलाओं को अब की बार चंद्र दर्शन करने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को रात 8:15 पर चंद्र का दर्शन हो जाएगा, जिसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए महिलाएं अपने व्रत को खोल सकती हैं। इसी के साथ ही करवा चौथ के लिए जो पूजन का समय निर्धारित है वह पंचांग के अनुसार शाम 5:36 से लेकर 6:24 तक निर्धारित है। ऐसे में जो भी महिलाएं हैं वह इसी दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकती हैं। साथ ही देखा जाता है कि इस व्रत के दौरान विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम राजराजेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी राधिकानंद ब्रह्मचारी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्या चंद्रोदय की क्या टाइमिंग रहेगी? चंद्रोदय 1 तारीख को हो रहा है 8:15 पर, तो 8:15 के बाद ही माताएं चंद्रमा को देखें, दर्शन करें और फिर चंद्र अर्घ दें और इसके बाद फिर अपना व्रत खोलें। पूजन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें? पूजन करते समय माताएं और जो उनके पति हैं और पूरा परिवार इस बात का ध्यान अवश्य रखे, आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता इस विषय का, क्योंकि आहार दोष से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट जहाँ हो गई तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बाहरी शुद्धता, स्नान ध्यान की, घर में पवित्रता की, किसी प्रकार की कोई अपवित्रता ना रहे, फिर तन की शुद्धता होनी चाहिए, फिर तन की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता हो तभी कहीं व्रत लाभदायक हो सकते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा कि नवरात्रि में हम लोग महापूजन करते हैं, महापूजन के बाद सौभाग्यवती पूजन करते हैं, तो सौभाग्यवती का अर्थ क्या है लोग नहीं जानते। सौभाग्यवती का अर्थ ये होता है कि जब हम भगवती की अचल भगवती की जब पूजन करते हैं तो वो भगवती जो बैठी है ना, वो हंस रही है ना मुस्कुरा रही, ना चल रही है, कुछ नहीं, तो उसका जो वास्तविक जो स्वरूप जो माताओं में हम देखते हैं कि हे माता समस्त जगत में तू तेरा ही स्वरूप है, और जो चल रही हैं, एक भोजन कर रही हैं, ये पूजन जो कर रही हैं, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, इसलिए हम आपके इस स्वरूप की पूजन करते हैं। तो जो भगवती का स्वरूप वही माताओं का स्वरूप होना चाहिए, श्रृंगार हो, हाथ में चूड़ी हो, मांग में सिंदूर हो, बदन पर साड़ी हो। और पूजन का फल तभी प्राप्त होता है जब तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और आहार विहार शुद्ध हो और साथ ही वस्त्र भी शुद्ध हो, पवित्र हो। इसमें बड़ा विधान आया है, यदि पुरुष पूजन करें तो 5 कांच की धोती पहने और ऊपर से वस्त्र डाले तब वो पूजन में बैठे। कुर्ता पैजामा पहन करके पूजन करना या कराना बिल्कुल अधर्म है। ये 3 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।